दायरे में बाजार सेंसेक्स 50 सपाट, बैंकिंग और मेटल शेयरों ने बनाया दबाव, आईटी शेयर में आठ दिन की खरीदारी। अनुमान के मुताबिक रहे ल्यूबिन के नतीजे, 20% की ग्रोथ के साथ 630 करोड़ का कंसोलिडेटेड मुनाफा, आय में भी देखी 26% की ग्रोथ। अब बीपीसीएल, केयर इंडिया और अरविंदो फार्मा के नतीजों का इंतजार, केयर इंडिया की बिक्री में करीब 7% तेजी का अनुमान और अरविंदो फार्मा के यूएस कारोबार में तेजी से आय में सुधार संभव। ईपीएफओ जल्द बाजार में निवेश बढ़ाएगा, जी बिजनेस एक्सक्लूसिव बातचीत में लेबर मिनिस्टर बंदारू दत्तात्रेय ने कहा ईपीएफओ बाजार में निवेश 10% से बढ़ाकर 15% करेगा। बेनामी ट्रांजैक्शन प्लान बनाने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट को होगी 7 साल तक की जेल, बेनामी एक्ट के तहत कई चार्टर्ड अकाउंटेंट जांच एजेंसी के रडार पर, नोटबंदी के दौरान पैसे ठिकाने लगाने के उपाय बताने वालों पर शिकंजा। प्रस्तुत करता